हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज बनाने जा रहे हैं केसर वाला दूध। ये है केसर वाला दूध, चलिए बनाते हैं केसर वाला दूध। पौष्टिकता से भरपूर केसर वाला दूध। तो दूध के बनाने के लिए हमने लिया है ये अमूल ब्रांड का आधा किलो दूध, और मीठा करने के लिए चीनी, और कुछ मैंने मखाने लिए हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं और इसे दूध के साथ लेने से कई परेशानियों में ये काम आता है। और ये लिए मैंने दो इलायची छोटी वाली, और ये लिए मैंने केसर। तो शुरू करते हैं अपना केसर मिल्क बनाना। तो अब केसर वाला दूध शुरू करते हैं गर्म करना। तो इस थैली को हम खोल के अब गैस पर चादर रख दिया, उसमें हम इसे गर्म कर लेते हैं। ये हमने अपना दूध, हमने ये दूध सारा इसमें पलट दिया है। अब दूध हमारा नीचे जले नहीं, इसके लिए हम लेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच पानी। बस इतना ही हमें पानी लेना है, क्योंकि अगर दूध नीचे इसमें जल गया तो दूध में महक हो जाएगी। तो इसलिए इसमें सिर्फ 2 से 3 चम्मच पानी हमें लेना है, जिससे हमारा दूध अच्छे से गर्म हो जाए और इसमें कोई महक ना आए। जब तक हमारा दूध गर्म हो रहा है, तो हम ये इलायची के इसको छील के इसके दाने निकाल लेते हैं और इनको अच्छे से पीस लेंगे। दाने की खुशबू और इसका टेस्ट दूध में मिक्स हो जाए, तो उसके लिए हमें ये छीलनी पड़ेगी। और ये दाने इस तरीके के इसमें दाने निकलेंगे, इन्हें हम निकाल लेते हैं। और ये आप फेंके नहीं, इसको आप चाय पत्ती में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाय पत्ती के डब्बे में इसे डाल दो और इसे चाय बनाओ, जब इस्तेमाल कर ले। अब ये हमने अपनी इलायची खोल ली, अब हम इसे पीस लेंगे। और केसर आधा किलो दूध में सिर्फ 2 या 3 इसकी कली ही लगेंगी, ये बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। ये इसकी कली है, ये बहुत बारीक होती है, तो इसको सिर्फ 2 या 3 ही आधा किलो में इस्तेमाल करें। ये इस तरह की है केसर, ये देखिए ये कितनी पतली है और कितनी बारीक होती है। तो ये 2 या 3 ही आधा किलो में लगेंगी। ये सर्दी आ रही है, सर्दियों में केसर वाला दूध सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, तो आप इसे सर्दियों में खूब पिए। अब हमारा दूध गर्म हो रहा है, दूध हमारा उबल रहा है, तो अब हम इसका फ्लेम एकदम स्लो कर देते हैं और इसको उठाल के ऐसे हिला के हम इसको ऐसे कर लेते हैं। और इसमें डाल देते हैं अपनी केसर, ये मैंने 5 से 7 फूली लिए हैं, ये हमने इसमें डाल दी। अब इसको हम धीरे धीरे पकाते हैं और इसका कलर भी इसमें आ जाएगा, केसर का कलर। अभी ये बिल्कुल व्हाइट है, अब ये केसर का कलर आएगा। तो इसे स्लो गैस पे हम पकाएंगे। गैस को हमने स्लो कर रखा है और अब इस दूध को हम धीरे धीरे पकने देंगे। ये धीरे धीरे पकता रहेगा और केसर अपना इसमें कलर और टेस्ट छोड़ देगी। अब इसी के साथ हम इसमें मखाने भी ऐड कर देते हैं, जो हमने मखाने लिए थे वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये भी अच्छे से इसमें फूल जाएंगे। अब हमारे पास रह गई इलायची। इलायची हम इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद इलायची डालेंगे, जिससे उसकी खुशबू दूध में रहे। अब इसे स्लो गैस पर पका लेते हैं। ये मंदी मंदी गैस पे दूध उबल चुका है। अब हम ये दूध थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है पहले की अपेक्षा, तो अब हम अपनी गैस बंद कर देते हैं और इसमें लेते हैं हम इलायची। ये जो इलायची हमने पीस के रखी थी वो इसमें हम ऐड कर देते हैं। दूध की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। और ये लेते हैं हम चीनी। मैंने ये वाली चम्मच 3 से 4 चम्मच चीनी लिए, क्योंकि केसर मिल्क थोड़ा ज्यादा मीठा ही अच्छा लगता है, बाकी आप टेस्ट के अनुसार इसे ले सकते हैं। और अगर मौसम गर्म हो तो आप इसे फ्रिज में रख के ठंडा ठंडा एंजॉय करें। और ये हमारा केसर दूध बिल्कुल तैयार है, चलिए इसे सर्व करते हैं पीने के लिए। ये मैंने केसर वाला दूध इस बोतल में सर्व किया है,
ये मैंने यूज की है बोतल प्रेजेंटेशन के लिए। वैसे दूध किसी में भी डाल के पी सकते हैं आप, इसे जरूर एक बार ट्राई करें। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा खुशबू वाला दूध है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और आपने बनाया तो आपका कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, और नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।